కొత్తగా ముద్రించే కరెన్సీ నోట్లపై లక్ష్మీదేవి ఫోటోతో పాటు వినాయకుడి ఫోటోను ముద్రించాలని ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేషనల్ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేశారు. కరెన్సీ నోట్లపై ఒకవైపు మహాత్ముడి ఫోటో మరోవైపు లక్ష్మీదేవి వినాయకుడి ఫోటోలను ముద్రించవచ్చని చెప్పారు. ముస్లిం దేశమైన ఇండోనేషియాలో కరెన్సీ నోట్లపై మన గణేశుడి ఫోటో ఉండగాలేనిది, మనం మాత్రం మన కరెన్సీపై ఎందుకు ముద్రించకూడదని కేజ్రీవాల్ ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు బుధవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. కరెన్సీ నోట్లపై మన దేవతల ఫోటోలు ముద్రించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఒక్కోసారి మనం ఎంత కష్టపడ్డా ఫలితం మాత్రం దక్కదని కేజ్రీవాల్ గుర్తు చేశారు. అలాంటి సమయాల్లో మన శక్తి యుక్తులకు దైవానుగ్రహం కూడా తోడైతే ఫలితం దక్కుతుందని ఆయన వివరించారు. ఈ విషయంపై త్వరలోనే ప్రధాని మోదీకి లేఖ రాయనున్నట్లు కేజ్రీవాల్ మీడియాకు వెల్లడించారు. ఢిల్లీలో త్వరలో జరగబోయే ఎన్నికలకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సిద్ధమైందని కేజ్రీవాల్ వివరించారు. ఢిల్లీలో సివిక్ పోల్స్ తో పాటు గుజరాత్ అసెంబ్లీకి జరగబోయే ఎన్నికల్లో సమర్థవంతమైన అభ్యర్థులను నిలబెట్టి గెలిపించుకుంటామని పేర్కొన్నారు. కాగా దీపావళి సందర్భంగా ఢిల్లీని ముంచెత్తే కాలుష్యం ఏడాది తగ్గినపై ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఢిల్లీని కాలుష్య రహితంగా తీర్చిదిద్దాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, అందుకోసం ఇలాగే సహకరించాలని ప్రజలకు ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. హమే బడీ సంఖ్యామే అస్పతాల్ బనానే హై, హమే బడీ సంఖ్యామే బహుత్ బడే స్తర్ కే ఉపర్ బిజ్లీ కా, సడకో కా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కో తయార్ కర్నా హై. లేకిన్ ఎఫర్ట్స్ తభీ ఫలీభూత్ హోతే హై జబ్ హమారే ఉపర్ దేవీ దేవతాఓ కా ఆశీర్వాద్ హోతా హై. एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं नतीजे नहीं आ रहे. उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं. परसों दिवाली थी, दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया. हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की. हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की. हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं. आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए. जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है. अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा. लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए. हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे. इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे,
लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। अगर इस पर कोई प्रश्न है आपके तो। अभी परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया, उस वक्त मन के अंदर एक ये बहुत स्ट्रांग भाव आया कि अगर भारतीय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो, हम सब लोग पूजन करते हैं, सब लोग भाव से पूजन करते हैं, तो अगर भारतीय करेंसी के ऊपर भी ये हो, मैं ये नहीं कह रहा ये करने से मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, लेकिन वो एफर्ट्स तब फलीभूत होते हैं जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। जैसा मैंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम ये नहीं कह रहे इसको हटाओ, उसको रखो, उसको हटाओ, किसी के भी खिलाफ नहीं है। और जब इंडोनेशिया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, इसमें किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और सबकी समृद्धि की बात हो रही है, सबकी संपन्नता की बात हो रही है, पूरे देश की संपन्नता की बात। जैसा मैंने कहा कि अगर इंडोनेशिया कर सकता है, इंडोनेशिया ने भी श्री गणेश जी को चुना, तो हम भी कर सकते हैं, हमारे देश में भी हो सकता है। और लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी हैं जिनको समृद्धि और संपन्नता की देवी माना गया है। आरोप लगाने वाले तो 100 आरोप लगाएंगे, आरोप लगाने दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी से भी बात कर लीजिए। मैंने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से बात की, सब लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया और ये होना चाहिए। मैं कल परसों में उनको एक चिट्ठी लिखूंगा, कल या परसों, और उस चिट्ठी के माध्यम से भी मैं उनसे अपील करूंगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं, और इन लोगों ने जितने भी एफर्ट्स किए चुनाव टालने के, गलत तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन किया, बता रहे हैं इस तरह से कर दिया कि बीजेपी का एरिया एक साथ कर दिया, दूसरे वोट एक साथ कर दिया, जो मर्जी कर लेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता इनको नकारने वाली है। ये लोग बहुत सारी कोशिशें करेंगे, जो भी असुरी शक्तियां होती हैं वो सच को दबाने के लिए, ईमानदारी को दबाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। ये सब, जैसे मैंने कहा, ये सब असुरी शक्तियां हैं जो हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, और ये जितना मर्जी कुछ कर ले, ये जनता को दबा नहीं सकती। जनता की आवाज़ है, जनता, दिल्ली की जनता ने देखा कि आम आदमी पार्टी को स्कूलों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। आम आदमी पार्टी को अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, इन्होंने अस्पताल अच्छे कर दिए। तो अब दिल्ली की जनता कह रही है एक बार इनको सफाई की भी जिम्मेदारी देंगे हम। तो जनता मन बना चुकी है, ये जो मर्जी कर ले, जनता की इच्छा को नहीं दबा सकते, सच को नहीं दबा सकते, ईमानदारी को नहीं दबा सकते। दिल्ली के लोगों ने पिछले कुछ सालों में प्रदूषण के ऊपर काफ़ी काम किया है, काफ़ी मेहनत की है, उसकी वजह से प्रदूषण में गिरावट आई है, ये अच्छी बात है। प्रदूषण बढ़ा नहीं है, अक्सर देखा गया कि जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ता जाता है, ज़्यादा व्हीकल जाते हैं सड़क पर और प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की बजाय कम होने लगा है। ये दिखाता है कि हमारे एफर्ट्स सही दिशा में हैं, उन एफर्ट्स में और तेज़ी करने की ज़रूरत है। सो, जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक हैं, लेकिन हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, अभी हमें और भी बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। और हम दिल्ली को दुनिया का सबसे क्लीन एयर वाला शहर बनाएंगे। जनता चुनाव लड़ेगी, आप देखिएगा, दिल्ली की जनता इधर चुनाव लड़ेगी और गुजरात की जनता उधर चुनाव लड़ेगी।
इधर दिल्ली की जनता इनके 15 साल से के कुशासन से दुखी है, उधर गुजरात की जनता इनके 27 साल के कुशासन से दुखी है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप इनसे पूछ लीजिएगा, ये भी पीसी करते हैं रोज, कि 15 साल के शासन में बीजेपी ने एमसीडी में एक काम कराओ इन्होंने, मैं चैलेंज करता हूं आज, एक अच्छा काम गिना दें कि हमने 15 साल में ये एक अच्छा काम करा है, एक काम। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से दिल्ली नगर निगम में काम कर रही है, एक काम गिना दें जो इन्होंने अच्छा किया। गुजरात में 27 साल से काम कर रहे हैं, एक काम गिना दें जो इन्होंने अच्छा किया। और आम आदमी पार्टी ने 7 साल में क्या अच्छे काम किया, बाहर सड़क पे चले जाना, किसी आदमी से पूछ लेना केजरीवाल ने, कि वो आपको गिना देगा। थैंक यू।